हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। कैसे आप सब? आए हो सब? आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो जैसे कि आप सभी को नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत ही अच्छा, लाभदायक और आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स और आपके सारे मनोकामनाएं भी साल पूरे हो एंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुरुआत से ही सारे दिन, सारे मंथ अच्छे से जाए एंड मेरी यही मनोकामना आपके साथ बनी रहेगी। तो हमारी मंथली रीडिंग जो है, जनवरी मंथली रीडिंग जो है, स्टार्ट करते हैं। जनवरी मंथली रीडिंग्स कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी मंथ में से लेके मीन राशि तक? चलिए जानते हैं कि दिस मंथ करियर रीडिंग एंड लव रिलेशनशिप रीडिंग्स आपकी कैसी रहेगी, कैसे आप इस महीने क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए और साथ ही साथ आपको एंजल्स मैसेज मिलता रहेगा। एंड मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स रहेगी, हर किसी को रिलेटेड नहीं होती। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर करना भी ना भूले। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके लिए मेष से लेके मीन राशि तक दिस मंथ कैसा रहेगा जनवरी मंथ। तो चलिए जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा, जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे पहला राशि मंथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए करियर रीडिंग कैसे रहेगी दिस मंथ की। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले हैप्पी दिखाई दे रहे काम को लेके, पर कहीं ना कहीं अननेसेसरी आपके, बोलते ना कि वाद विवाद हो सकते हैं कि अननेसेसरी आप किसी से लड़ सकते हैं। काम के रिलेटेड स्ट्रांग एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही है, काम से रिलेटेड आप काफी पैशनेट नजर आते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आपकी काम पे लड़ाई भी हो रही तो कहीं ना कहीं प्रशंसा भी होगी। आप कुछ अच्छी चीजों को लेकर वाद विवाद करेंगे पर वो चीजें आपके ठीक हो जाएंगे। काम के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स कनेक्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल होके काम करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। अपने काम पे फोकस रहेगा, जो भी चीजें हो रही है उसको होने देंगे। फैमिली सपोर्ट मिलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, इमोशनली अटैचमेंट रहेगा। कहीं ना कहीं आप फैमिली बिजनेस भी संभालते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली बिजनेस में है तो फैमिली आपको 100% सपोर्ट करेगी। कहीं ना कहीं आपका जो काम पे जो मन लगते हुए दिखाई दे रहा है, काफी प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे आप, स्ट्रेट होके बात करेंगे। आपके जो भी चीजें है आप बोलते ना कि दिल से नहीं सोचेंगे, दिमाग से काम करेंगे। केयरिंग पर्सनैलिटी रहेंगे आपकी दिस मंथ में। काम पे फोकस ज्यादा दिखाई देते हुए दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी मनी इनकम सोर्स भी बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है दिस मंथ में। बिजनेस के लिए काफी अच्छा क्रेज वाला जो है टाइम नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी आपके गोल्स होंगे वो दिस मंथ में पूरे होते नजर आते हुए दिखाई दे रहे। काफी सक्सेस वाला कार्ड्स नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। नेम फेम सक्सेस आपको दिस मंथ में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोल जो है आप अचीव कर पाएंगे दिस मंथ में। तो काफी अच्छी एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए आपके लिए तो जॉब के लिए, तो जॉब में भी सिचुएशन जो है बदल सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन होना है, कहीं ना कहीं आपको पेमेंट ज्यादा मिलनी है या फिर कुछ और चीजें जो आपकी होनी होगी तो वो चीजें होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो बहुत अच्छी अचीवमेंट नजर आती हुई है। अगर आप घर पे बैठ के भी ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो लेडीज होती है तो घर पे ऑनलाइन वर्क कर रही है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक तरक्की वाला टाइम आते हुए दिखाई दे रहा है। प्रमोशन होने की एनर्जी भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए आपके लिए कुछ और एनर्जी की तो आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी दिस मंथ में परचेसिंग करने की एनर्जी है, तो दिस मंथ में अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ लेंगे। एंड कुछ ऐसे कहूँगी कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चलते हैं तो चलते हुए भी थोड़ा सा संभल के रहिए, चोट लगने के चांसेस दिस मंथ में हैं। हेल्थ इश्यू थोड़े से नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि टावर का कार्ड्स नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, जिस वजह से थोड़े से हेल्थ इश्यू आएंगे। तो बी केयरफुल, गाड़ी चलाते समय संभल के चलाएं और पैसे खर्च करते हुए भी, बहुत सारे सिचुएशन में पैसे खर्च करते हुए भी दिखाई दे रही है, तो पैसे खर्च सोच समझ के कीजिए। अगर प्रॉपर्टी लेते इन्वेस्टमेंट करते तो ठीक बात है, गोल्ड लेते तो भी ठीक बात है। अगर कुछ चीज़ें बोलते ना कि फालतू चीज़ों में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर फालतू चीज़ों में अगर आपके पैसे जाते हुए भी नजर आते हुए दिखाई दे रहे, तो दिस मंथ में आप थोड़े पैसे के ऊपर जो है ना काम करें, वर्क करें, क्योंकि पैसे जितने आएंगे उतने आपके पैसे वेस्टेड भी होंगे। तो ये चीज़ों पे ध्यान जरूर रखें एंड
आगे बढ़ते कि आपके लिए जो थोड़े से होते ना कि आप थोड़े से और पॉजिटिव हो जाएंगे काम को लेके, थोड़े से होते ना कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव से काम करेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों पे आप ध्यान रखेंगे काम के ऊपर, कि आपके काम पे कुछ भी गड़बड़ ना हो, आपकी वजह से कुछ भी किसी को भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो इन चीजों पे आप ध्यान इस मंथ में बरकरार करते हुए दिखाई दे रहे। तो चलिए आगे बढ़ते कि हमारे आपकी लव कम्युनिकेशन के लिए, तो आपकी लव रीडिंग कैसे रहेंगी और आपके लिए कैसा रहेगा दिस मंथ। तो चलिए आगे बढ़ते कन्या राशि वालों के लिए लव कम्युनिकेशन कैसे रहेगी दिस मंथ की। कुछ डिस्टर्बेंस नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कुछ ना कुछ इश्यू जो है, जैसे कि आप अपने पार्टनर से ब्लॉक है तो दिस मंथ में ब्लॉक रहेंगे। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आपके लव लाइफ में न्यू लव कम्युनिकेशन स्टार्ट होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे, जो आप पहले से भी बेटर फील करेंगे। जो आपकी लड़ाई चलती थी, जो परेशानी रहती थी, वो चीज नहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं अगर आप बात जो है फाइनल शादी की लेते हो, घर परिवार से मैरिज की बात लेते हो, जैसे अरेंज मैरिज करने के बारे में आप सोचते हो, तो काफी जो टाइम है आपका काफी बेस्ट रहेगा। अगर देखा जाए तो काफी बेस्ट टाइम नजर आते हुए दिखाई दे रहा है आपके लिए दिस मंथ का। रिलेशनशिप में ऐसे हो सकता है कि काफी आप बोलते हैं ना कि दिस टाइम ऐसा होगा कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कम्युनिकेशन नहीं करनी है, उनसे दूर रहो तो काफी बेस्ट है, मैं अपने काम पे फोकस करूँ तो बेस्ट है। आप अपनी एनर्जी जो है ना ऐसे सोच रहे कि नहीं, आप लव कम्युनिकेशन में ना करके आप अपने काम के ऊपर फोकस करें तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपको फैमिली सपोर्ट से ये चीज़ें जो है ना ठीक होती हुई दिखाई देंगी। आपकी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट की बात चलेगी, कहीं ना कहीं शादी के लिए एक अच्छे लड़के की या फिर किसी लड़की की बात चलेगी, तो उसके लिए आपको डेस्टिनी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लविंग एनर्जी जो है आपकी जो है लव कम्युनिकेशन में बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर से आप सोच रहे कि नहीं करेंगे, आपका मन नहीं है, आप जितने भी सारे आपको चीज़ें बोलते हैं कि सहनी थी आपने सह ली, पर ऐसा नहीं कि आपका दिस टाइम जो है ना बोलते हैं कि जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से मिल जाएगी, नई चीज़ें जो है आपकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं कि आपके लिए रिलेशनशिप में, जैसे कि आपकी मैरिज हो चुकी, वो लाइफ आपकी कैसे रहेगी, कि उन चीज़ों में आप कैसे रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, तो अगर वो चीज़ में देखें तो उस चीज़ में भी ऐसे ही नजर आती हुई दिखाई दे रही, काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आती हुई दिखाई दे रही, पर कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रही, जो गुड टाइम है ट्रैवल करते नजर आते हुए दिखाई दे रहे। घर पे कुछ ना कुछ चीज़ें लेते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे, घर की जिम्मेदारी पूरी करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से साथ बाहर जाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे, तो वैसे हेल्थ इश्यू जो है रहेंगे, पर कहीं ना कहीं फंक्शन या फिर कहीं ना कहीं गेट टुगेदर में जाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। दोनों की फुल ऑन एनर्जी रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेंगी, जिस चीज़ की वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। रात को नहीं सोना, थोड़ी सी परेशानी रहना, ये चीज़ें हो सकती हैं कुछ काम को लेके या फिर कुछ फैमिली को इशू को लेके, थोड़े फैमिली इशू दिस मंथ में नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, जिस वजह से आपको थोड़े सपोर्ट कचहरी जाना भी पड़ सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रेट के इशू हो सकते हैं, जिस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, पर अदरवाइज रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। एक दूसरे से सहमत रहेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट रहेगा, भरोसा रहेगा, ये चीज़ें इन दोनों में दिखाई देते हैं रिलेशनशिप में। तो कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंट नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, काफी एक अच्छे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। काफी सारी कंफ्यूजन चल रही है, पर वो चीजें जो है धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी, मन के एंड तक आपकी बहुत सारी चीजों को लेकर ना आपको क्लैरिटी आ जाएंगी, ये चीजें रहेंगी। दोनों में भी ये सारी सिचुएशन है, अब जो चीजें सोच रहे हैं कि एंड कर दो, वो चीजें एंड नहीं होगी, कुछ अच्छी चीजों की तरफ से पॉजिटिव तरीके से आपको आगे भी ये चीज मिल सकती है। आपका सोलमेंट लेवल दिखाई दे रहा है, एक सोल से आपकी बोलते ना कि एक सोलमेंट लेवल से आपकी एनर्जी जो है आगे कनेक्ट होती नजर आती हुई दिखाई दे रही है। सोलमेंट पार्टनर जो है आपका, उनके साथ आपकी कनेक्टेड एनर्जी रहेगी जो कभी भी छूटेगी नहीं। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि आपके लिए दिस मंथ कैसा रहा और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। और अभी भी चैनल पे न्यू है एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही आप मुझे ढेर सारा प्यार देते रहे। 60,000 फॉलोवर जो है बन रहे हैं बहुत जल्दी, एंड मैं चाहती हूँ कि और भी जल्दी से स्पीड आ जाए और चैनल को और अच्छे से सब्सक्राइब मिलते रहे। ऐसे ही हमारा धीरे धीरे करके 7,000 का परिवार हो चुका है, 7,000 सब्सक्राइबर के फैमिलोर्स हो चुके हैं, एंड मेरे आप इंस्टाग्राम चैनल पे भी जो है 25,000 फॉलोवर्स है, एंड फेसबुक पे भी 6,000 फॉलोवर्स है। तो आप सबको, इतने सारे परिवार से मैं जुड़ी हूँ, आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, मैं ऐसे ही रीडिंग्स और ऐसे कुछ कुछ न्यू टिप्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मैं आपसे विदा लेती, तब तक के लिए नमस्कार।